हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। महर्षि अभी सो रहा है और दोपहर का टाइम हो रहा है, तो मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा कि ये जो मेरे पास कूलर एक था तो इससे कुछ डेकोरेशन का सामान बना लेती हूँ घर का। और ना जब मैं बाहर जाती हूँ, कुछ भी ऐसा कूलर अगर मिल जाता है ना मुझे जिसमें मैं चाय पीती हूँ, यूनिक सा लगता है, तो मैं उसको लेके आ जाती हूँ। ये भी बहुत दिन पहले मैं बाहर गई थी तब से मेरे पास है और इसको कुछ बनाऊँगी सोच के आज मतलब अल्टीमेटली मैं बना रही हूँ। तो ये ग्रीन कलर का जो स्टिक है इसमें मैंने फेब्रिक का ही कलर किया था, उसके बाद इसको सुखा के फिर ये पॉम पॉम को आराम से ये हो मतलब इसके अंदर डाल दिया मैंने, तो ये आराम से हो भी गया। और इसके बाद ना ये इसके अंदर रख रही थी तो बार बार गिर रहा था, तो फिर मैंने कागज़ डाल के इसको फिक्स किया। तो मैं कुछ दिनों से सोच रही थी ना कि ये जो लिविंग एरिया का डेकोरेशन है तो सबको मैं चेंज करूँगी, मतलब पूरा लिविंग एरिया का लुक ही थोड़ा चेंज करूँगी, ऐसा मैं सोच रही थी। तो अभी शाम के 8 जैसे बज रहे हैं तो मेरे पास टाइम था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जितना भी वॉल्स में मैंने जो भी कुछ मतलब डेकोरेट किया था सबको हटा देती हूँ, क्योंकि ये सबको हटाने में भी एक टाइम चाहिए होता है। तो एक वन बाय वन मैंने सब कुछ हटाया और सब कुछ मतलब और ये जो जितने भी शोपीस हैं इसको भी मैंने साफ़ करके रख दिया है। और ये देखिए महर्षि भी था यहाँ पे और जितने भी सोफ़ा के मतलब कुशंस थे उसने हटा दिए हैं। ये जो प्लांट्स देख रहे हैं आप लोग, मेरे हस्बैंड ने मुझे एनिवर्सरी में गिफ्ट किया है जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा। और ये महर्षि के भीगे कपड़े हैं जो मैंने बहुत शाम हो गया था आज धोते धोते, तो अभी मैं मतलब शाम को ना उसका कपड़ा बाहर में नहीं रखती हूँ, तो उसको मैंने ला के अभी रख दिया है यहाँ पर, फैला दिया है थोड़ा बहुत, और कल सुबह को फिर डाल दूँगी। देखिए हमारा डिनर का प्रिपरेशन चल रहा है और महर्षि भी मेरे साथ मदद कर रहा है। तो आज खाने के पहले ही मतलब किचन को क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि प्लेट्स में ये आटा वगैरह मतलब जब मैं सर्व करती हूँ प्लेट्स पे खाना तो आटा वगैरह प्लेट्स के नीचे लग जाता है, तो मतलब अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए आज काउंटर टॉप किचन का पहले ही साफ़ कर लिया है। तो आज डिनर में मैंने बनाया है ये रोटी और चने की दाल और एक मिठाई है और प्याज। तो आज है नेक्स्ट डे और थोड़ा जल्दी उठने के कारण मैं वीडियो बना पाई मॉर्निंग का, और मतलब जल्दी उठने से क्या सब काम स्मूथली होता है, अच्छा होता है। और तो महर्षि के लिए मैंने एक रोटी बना लिया है और उसको थोड़ा गर्म पानी में रख के मतलब रोटी ना इससे सॉफ्ट हो जाता है और महर्षि आराम से खा लेता है, तो मतलब इसीलिए मैं ऐसा करती हूँ। हमारे लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगी एग रोल, तो मैंने ये क्यूक्यूम्बर और प्याज को ही काटा है, उसमें ब्लैक पेपर थोड़ा सा दे दिया है और थोड़ा सा एकदम नमक दिया है। और ये जो रोटी देख रहे हैं आप लोग, ये रोटी को मैंने मैदे का ही बनाया है बट उसमें थोड़ा सा आटा ऐड किया है, तो उससे क्या होता है आटा ऐड करने से अच्छे से फैलता है रोटी, तो मैदे का सिर्फ होने से ना अच्छे से नहीं होता है। और साथ के साथ जब इसको मैं तवे में डालूंगी तब उसी में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल दूंगी ताकि वे ना फूले, फूल जाने से फिर वो वैसा एग रोल वाला मज़ा नहीं आएगा इसमें।
तो आप लोग इस तरह से रोल बना के अपने बच्चे को दे सकते हैं टिफ़िन में, और आप लोग अपना ब्रेकफास्ट भी बना सकते हैं। तो काफ़ी मतलब इजीली हो जाता है ये। और मतलब जैसे कि हम लोग कैप्सिकम अगर रोल में यूज़ करेंगे, कुछ भी दूसरा जो सब्ज़ी पकाना पड़ता है वो अगर यूज़ करेंगे तो ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। तो इससे क्यूक्यूम्बर और प्याज को तो हम लोग को ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है और आराम से बन जाता है। तो देखिए, मैं इस तरफ एक मतलब टोमेटो केचप लगा लिया है मैंने, और इस तरफ मैं रोटी को भी सेक रही हूँ, और फटाफट से बस मेरे रोल बन गए हैं। तो हाउसवाइफ का जो मॉर्निंग का मतलब टाइम होता है ना, ये इतना ज़्यादा बिजी होता है, सबका बहुत ज़्यादा बिजी होता है। जो लोग वर्किंग होते हैं उन लोग का भी बिजी होता है, और जो घर पे है उन लोग का भी बिजी होता है। मतलब सबका बहुत ही ज़्यादा बिजी रूटीन होता है। तो मॉर्निंग को अगर हम लोग ज़्यादातर काम अगर कर लेते हैं ना, तो सारा दिन क्या होता है कि थोड़ा बहुत रेस्ट हो जाता है। तो आजकल मुझे मतलब यूट्यूब के बारे में सोचने के लिए और कुछ भी मेरा वीडियोस बनाने के लिए थोड़ा बहुत टाइम मिल जा रहा है मुझे। तो मतलब स्ट्रेस फ्री हूँ मैं आजकल जल्दी उठने के कारण। तो आप लोगों से बातें करते करते देखिए, हमारा ब्रेकफास्ट भी रेडी हो गया। तो ये भीगे जो कपड़े मैंने रखे थे महर्षि के, उसको मैं अभी डाल दे रही हूँ। और अभी ये काफ़ी टाइम हो चुका है, मतलब 8:30 जैसे बज रहे थे। स्कूल जाने के पहले मैंने सोचा कि इसको डाल देती हूँ। महर्षि का स्कूल सामने होने के कारण मुझे बहुत ही ज़्यादा सुविधा होता है। मैं मतलब 15 मिनट्स के अंदर ही घर आ जाती हूँ। तो अभी 9:20 जैसा हो रहा है, और आने के साथ साथ ही मैंने ड्रेस भी चेंज नहीं किया और फटाफट से अपना रूम के क्लीनिंग में आ गई, क्योंकि मेरी हेल्पर को मैं आजकल जल्दी बुलाती हूँ, और उसके आने के पहले जो भी घर का साफ़ सफाई होता है उसको करना पड़ता है। तो मतलब डस्टिंग वगैरह, घर का बेडशीट वगैरह, ये सब चेंज करना, ये सब करना पड़ता है, इसलिए फटाफट से ये सब कर रही हूँ। तो मॉर्निंग के टाइम को ना सबका घर बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है, मुझे ऐसा लगता है। तो मेरा घर तो बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है, क्योंकि मतलब सब पूरा क्लटर्स घर पे जमा रहता है। टेबल के ऊपर मतलब जो मर्जी मतलब होता है कि जो भी सामान पड़ा रहता है। तो महर्षि जैसे कि टॉयज वगैरह अपना लेके आया था, उसको मैं अपनी उसके जगह पे रख रही हूँ। कुछ कुछ टॉयज मैंने टेबल के ऊपर में ही रखा है, और आजकल तो ये बेड के साइड में जो मैंने ये छोटा सा वार्डरोब जो रखा है उसके ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा क्लटर्स जम जाता है। तो ये सबको एक एक करके हटाना, फिर इसको साफ़ करना, तो मतलब चलता ही रहता है। और ये आजकल हैंड सैनिटाइज़र भी रखना पड़ता है। हैंडी रहने से क्या है कि फटाक से कभी ज़रूरत होने से मिल जाता है, फिर नहीं तो फिर दूसरे रूम पे जाओ। तो इसलिए मैं बेडरूम पे रख देती हूँ, तो कभी कभी बहुत ज़रूरत हो जाता है। और ये जो फ्लावर का पॉट देख रहे हैं आप लोग, इसको मैंने इतने दिन तक मतलब अपने डाइनिंग टेबल के ऊपर रखा था, बट आज मैंने थोड़ा पोजिशन चेंज किया है और उसको बेडरूम पर लेके आ गई हूँ। और जो ये चेयर के ऊपर मैंने टॉवल रखा था ना, ये हमेशा स्लिप होता था पहले। तो इसको मैंने क्या किया कि मेरा ही एक स्कर्ट था, उसका इलास्टिक मतलब ख़राब हो चुका था, तो उसको इलास्टिक को मैंने ये चेयर पे लगा दिया। तो अभी क्या होता है कि ये स्लिप नहीं होता है, आराम से फिक्स हो गया है एकदम। पूरा बेडरूम मेरा क्लीन हो चुका है, और लिविंग एरिया कल रात को मैंने थोड़ा बहुत क्लीन किया था, तो इसलिए आज ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्लीन करने के लिए। और एक जो एक्स्ट्रा रूम है वो भी क्लीन ही रहता है ज़्यादातर, क्योंकि वहाँ पे उस रूम में तो हम लोग ज़्यादा रहते नहीं हैं, तो इसीलिए जस्ट कपड़े वगैरह थोड़ा ठीक करके रखना पड़ता है। उसको मैं एक्स्ट्रा टाइम जब मिलता है तब भी ठीक कर देती हूँ। और आज का वीडियो मैं एंड करती हूँ यहाँ पे। आप लोगों को मेरा ये नाइट से मॉर्निंग तक का रूटीन कैसा लगा ये मुझे बताइएगा। तो मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, और ये वाला वीडियो देखने के लिए थैंक्स।